What's up? Welcome back to my channel. And in today's vlog, मैं कंपैरिजन वाली वीडियोस को अलग लेवल पे लेकर गई हूँ. एंड दिस स्पेशली फॉर द वेजिटेरियन, क्योंकि मैं दो सबसे पॉपुलर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स आज कवर करने वाली हूँ, विच इज़ हल्दीराम्स वर्सेस बीकानेर. सो लेट्स ट्राई आउट बेटर कौन सा है इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ फूड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड सर्विस, और देखते हैं बेस्ट कौन सा है. तो आज की वीडियो में आपको बहुत दिखेंगे छोले भटूरे, पाव भाजी, डोसा और कोई दिल्ली की मस्त चाट. तो जो दोनों हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, नॉट ओनली इन दिल्ली, नॉट ओनली इन इंडिया, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. दोनों जो है इंडिपेंडेंस से पहले ही स्टार्ट कर दिए गए थे, दोनों काफ़ी फैमिली बिजनेस हैं अब. सो लेट्स चेक आउट हाउ इट इज़. आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज तो मैं खूब छोले भटूरे खाने वाली हूँ एंड आई लव छोले भटूरे. सो लेट्स गो. बीकानेरवाला, इनमें काफ़ी वीडियो बनाने की स्ट्रिक्टनेस है, तो हम ट्राई करेंगे ना करें ज़्यादा. तो जैसे तो राज कचौरी, मैंने दो चीज़ें और ऑर्डर करी जो दोनों मेरी बहुत फेवरेट है, ये हैं राज कचौरी. इट्स नाइस, अच्छी चटनी है, स्पाइसी है, इसके अंदर स्टफिंग है अच्छी, इसमें है अदरक, अनार नहीं डाला, इसमें बीट रूट है और ये वाली बॉल्स हैं, इन्हें दही बल्ला का जो छोटा वाला वर्जन होता है वो, इसमें स्प्राउट्स हैं जो से मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, एंड ओवरऑल इट्स रियली नाइस. ये आई रुपीस, सॉरी, ये आई रुपीस 100 की, जो काफ़ी हद तक बहुत है. देखें हल्दीराम की राज कचौरी, जिन लोगों ने खाई है उनको पता है कि कितनी ज़्यादा बढ़िया होती है. तो ये राज कचौरी से टक्कर दे पाती है या नहीं, वी फाइंड आउट. स्टे ट्यून्ड. आ गए मेरे फेवरेट छोले भटूरे और पाव भाजी, और मुझे ना बचपन से ये करने में बड़ा मज़ा आता है. चलो खाते हैं हम अपने छोले भटूरे. यार मैंने भैया से नींबू मंगवाया था और अचार भी उन्होंने ला के नहीं दिया, आई एम डिसअपॉइंटेड. नींबू के बिना मज़ा आता छोले भटूरों में और पाव भाजी में? नो. और प्याज भी लेना चाहिए मेरे ख्याल से. आई एम सॉरी इफ आई एम कंप्लेनिंग टू मच. सही है, ज़्यादा खास नहीं है, स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं है. छोले भटूरे थोड़े ऑयली हैं पर चलता है, छोले भटूरे तो ऑयली होते हैं. भैया मैंने नींबू अचार मंगवाया था ना, अचार के साथ इट्स टेस्टिंग, अचार इज वेरी नाइस, नींबू का अचार है बहुत टेस्टिंग. मेरा बिल कम गया, लेट्स ट्राई पाव भाजी. तो अनलाइक द नॉर्मल पाव, उनके पाव बड़े क्यूट से छोटे छोटे से हैं. पाव भाजी का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, द भाजी इज रियली नाइस, आई लाइक इट. ला ही नहीं रहे यार नींबू. ओवरऑल आई लाइक द भाजी, छोले भटूरे भी अच्छे हैं, मतलब नॉट बुरे.
So overall, I like the food. Pav bhaji bhi achha, chhole bhature bhi. But it's spicy, but it's a little more spicy. But overall, it's good. I like the chhole bhature and pav. So guys, my stomach is absolutely full. Mera kaafi pet bhar chuka hai. Maine khaya chhole bhature, jo mujhe khate khate bahut acche lagne lage, theek hai? Aur pav bhaji bhi achhi thi aur raj kachori. Mera total bill aaya hai 367 ka, 125 for pav bhaji, 125 for chhole bhature, 100 rupees ki raj kachori, which I think is quite fine. Inka sitting area kaafi acha hai. Ek inke upar bhi floor hai. Main Saket wali branch mein baithi hu. और हाँ, ये काफ़ी अच्छा है. तो जब बीकानेर के बारे में आपको थोड़ा फैक्ट दूँ, और हल्दीराम का भी एक्चुअली, ये दोनों ये बीकानेर से, दोनों फैमिलीज और दोनों फैमिली बिजनेस हैं. मतलब हल्दीराम जी तो नहीं, पर अब उनका ही फैमिली बिजनेस है और उनका भी ये फैमिली बिजनेस है. सो यार, बीकानेर वाले ने क्या तरक्की मचा दी यार, उन्होंने पूरा वर्ल्ड ले लिया अपने पास. सो ऑल द बीकानेर वाले जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, क्या बात है. सो यार, मेरा यहाँ से पेट भर गया. मैं थोड़ी वॉक करके जाती हूँ हल्दीराम, बिकॉज मेरा पेट काफ़ी भर गया है. थोड़ी ग्रीन टी व्रीन टी पी लेते हैं. चलो भाई, देखते हैं ज़्यादा महंगा कौन सा, ज़्यादा सस्ता कौन सा, ज़्यादा टेस्टी कौन सा है, और ज़्यादा सर्विस ना की ज़्यादा अच्छी है. और भैया ने मुझे नींबू ला दिया फाइनली, ठीक है? तो नो पॉइंट कट फॉर द नॉट नींबू. चलो, लेट्स गो टू हल्दीराम. हम हल्दीराम आ चुके हैं. हमने ऑर्डर करे गोलगप्पे, राज कचौरी और पाव भाजी. मैंने तो छोले भटूरे पहले भी खा रखे और मुझे इतने खास लगते नहीं, तो मैंने वो ऑर्डर नहीं करे. इसलिए स्टार्ट करते हैं हम गोलगप्पों से. खोलूँ क्या सर? आई लव सूजी गोलगप्पे. जिन लोगों ने मेरी पुरानी गोलगप्पे में व्लॉग्स देखी उनको पता होगा. व्लॉग्स मुझे तो गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद है. उनका पानी बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता, काफी टैंगी होती है, मुझे पसंद है. नेक्स्ट लेट राज कचौरी, क्योंकि राज कचौरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है. स्टफिंग इतनी ठंडी है, इट्स टू गुड. इसमें आलू है, वही स्प्राउट्स है, बहुत सारी ठंडी दही है, ऊपर थोड़ा बूंदी डाला है, चटनी है, सॉल्ट है. ओवरऑल काफी अच्छा फ्लेवर है और बीकानेर से बहुत ज्यादा अच्छे है ये. और ट्राई करते हैं हम पाव भाजी. इन लोगों ने मुझे नींबू दिया. पाव भाजी इज रियली रियली गुड. इनकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा सही है. आई थिंक दोनों की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम है, और राज कचौरी इन दिस वन इज वेल. तो जो क्या कहते हैं छोले भटूरे हैं, वो मुझे बीकानेर के बहुत पसंद आए इधर से कंपैरेटिवली. जो प्राइसिंग है, ये थोड़ा ज़्यादा महंगा है. जैसे कि ये 125 रुपीज़ का है. जैसे कि राज कचौरी इधर है रुपीज 120 की, उधर थी 100 रुपीज की. छोले भटूरे इधर 140 के हैं, उधर 125 के थे. और पाव भाजी इधर 140 के, उधर 125 की थी. तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, पर पाव भाजी मुझे दोनों की जगह की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. लेकिन रात का जो है बेस्ट हल्दीराम. मैम इससे पहले मैंने रात को कहीं की नहीं खाई. We'll be right back.
गाइस, जैसा कि आप मेरी हालत समझ पा रहे हैं, मैंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया है कि मैं डिनर भी नहीं कर सकती हूँ, जो कि अच्छी चीज़ है. जो भी है, चलो अब लेट्स रेट. प्राइस वाइज हल्दीराम इज मोर एक्सपेंसिव देन बीकानेर, सो बीकानेर गेट्स 1 point फॉर दैट. देन क्वालिटी वाइज, आई थिंक दोनों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे. लेकिन जो खाना है, छोले भटूरे बीकानेर के अच्छे हैं, पाव भाजी हल्दीराम की अच्छी है, और आज कचौरी भी हल्दीराम की अच्छी है, और गोलगप्पे मैंने उधर ट्राई करे नहीं. अच्छा, और क्या था इंटीरियर वाइज आई थिंक दोनों काफ़ी अच्छे हैं, दोनों की सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मेन्यू भी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है. दोनों एक्चुअली मिठाइयों के लिए बहुत फेमस है. एनुअल ट्रिविया अबाउट मिस्टर हल्दीराम, इन्होंने स्टार्ट करा था विद 100 rupees की इन्वेस्टमेंट के साथ, एंड नाउ ही हैज अ टर्नओवर ऑफ 5000 करोड़. पता है कितना होता है? बहुत ज़्यादा. सो इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग टू सी बोथ ऑफ देम कमिंग फ्रॉम लिटिल बैकग्राउंड, लाइक लिटिल फैमिलीज, इन्वेस्टिंग मनी, वर्किंग सो हार्ड. जैसे जो हल्दीराम थे, जिनका नाम एक्चुअली हल्दीराम है, वो पहले सड़क पर भुजिया और मूंग दाल बेचते थे, जो उनकी वाइफ प्रिपेयर करते थे, क्योंकि उनको घर से निकाल दिया था. सो इट्स क्वाइट अ नाइस इंस्पायरिंग स्टोरी. अगर आपको मन हो तो आप उसके बारे में पढ़िएगा. इट्स वेरी मोटिवेटिंग एज वेल कि कैसे जो है लोग छोटे शहर से आकर ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वेजिटेरियन फूड से जाने जाते हैं, स्पेशली इन इंडिया वेयर द वेजिटेरियन पॉपुलेशन इज सो मच, एंड द फूड ऑल्सो हियर इज़ वेरी नाइस, इवन दो दे आर क्वाइट, यू नो, क्वाइट फेमस, एंड दे वॉट क्वाइट बिग इंटीरियर्स एंड बिग बिल्डिंग्स, बट स्टिल दे मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. खाना इनका काफ़ी अच्छा है, सर्विस इनके बहुत अच्छे हैं, जो इनके सर्वर्स हैं बहुत अच्छे से आपको नमस्ते करके मिलते हैं, और प्राइसिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है. सो ओवरऑल आई थिंक आई कांट इवन, ओवरऑल एज आई सेड, खाना में मैं थोड़े मिक्स रिव्यूज जैसे मैंने दिए या प्राइस बता दिया. क्वालिटी वाइज आई थिंक बोथ आर सिमिलर. सो यस, आई थिंक हल्दीराम को मैं 1 point ज़्यादा एक्स्ट्रा दे सकती हूँ, क्योंकि इनकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, उनके सर्विस जो है, उनके जो सर्वर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोलाइट एंड स्वीट है. सो आई थिंक इस वीडियो में भी टाई हो गया. पिछली वीडियो में मैंने पिज़्ज़ा हट को जिता दिया, ठीक है, पर मतलब ये तो हमने पिज़्ज़ा हट मुझे पैसे देगा, मतलब मुझे क्यों पैसे देगा यार, मेरी वीडियो देखते कितने लोग हैं, कैसी बातें करते हो, ठीक है. तो बस विद दिस इट्स अ रैप. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. 20,000 सब्सक्राइबर्स आपने कर दिए, अब मेरी लालच बढ़ती जा रही है, 25,000 चाहिए मुझे अब. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, आई लव यू ऑल, एंड कमेंट डाउन बिलो फॉर नेक्स्ट वीडियो किसकी देखनी है. बाय.